मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो। 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 मोदी सरकार मोदी सरकार का जो सिद्धांत है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और निपको इत्यादि को प्राइवेटाइज करने का, तो इसका जवाब में आज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और MRPL मैंगलोर रिफाइनरी, ये तीनों कंपनी के लोगों ने जो ज़बरदस्त हड़ताल किया, इसको यूँ बता सकता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया लोगों ने। और इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि मोदी का सरकार ने जो सोचा है कि भारत पेट्रोलियम को आसानी से बेच के हैं पैसा बुतल लेंगे, वो भारत पेट्रोलियम इन कंपनी का लोगों ने ऐसा होने नहीं देंगे। मैं भारत पेट्रोलियम में सर्विस करता हूँ, 34 साल मुझे सर्विस करते करते हो गए और इस एज में अब कंपनी को प्राइवेट करने के लिए जो है गवर्नमेंट सोच रही है, उन्हें एम्प्लॉयज से मतलब नहीं, एम्प्लॉयज की फैमिली से कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं, देशवासियों से कोई मतलब नहीं। जो कंपनी 7,500 रुपये एनुअल प्रॉफिट देती हो उस कंपनी को बेचने से मेरी समझ में नहीं आता क्या फ़ायदा होगा 60,000 करोड़ में। जो जितने पैसे में इस कंपनी को बेचने का इनका टारगेट है, उतना पैसा कंपनी के प्रॉफिट से 8 साल में रिकवरी हो जाती है। 2003 में भी भारत पेट्रोलियम को बेचने का प्रयास किया गया था, उस समय हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की और इसका विरोध किया और हम इसको बचाने में सफल हो गए। जब हमारी ये कंपनी बनी थी उस समय पार्लियामेंट के अंदर एक रिजोल्यूशन पास हुआ था कि इन कंपनियों को बेचने के लिए जो पार्लियामेंट से परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी होगी, तो उस समय यह रुक गया था। लेकिन अब सरकार ने बहुत चुपके से इन सभी लॉ को रिटेंडेंट करते हुए उनको खारिज कर दिया और लोगों को पता तक नहीं चला। और उसी का सहारा लेकर दोबारा जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात शुरू करी गई है, उस समय इसका सहारा लेकर हमें दोबारा से इस डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर घसीटा जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मोदी जी अपने उस प्राइवेट मित्रों को भाला पहुँचाने के लिए हमें बलि पहुँचा रहे हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी इतने आसानी से दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुँचाती, वो अपना मुनाफा चाहते हैं, वो दूसरों को किसी को और मुनाफा नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि उस पर तो जो गरीब लोग जिनके लिए ये योजना शुरू की गई थी उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ख़राब वो स्थिति रहेगी। ऐसी उनकी जो ये सब ये योजना शुरू की गई है, मेरा ख्याल से तो उन तक इतना लाभ पहुँच नहीं पाएगा। मेरी समझ नहीं आता कि मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो किसके हित की बात करती है। नेताओं को जो बनाया जाता है वो देशवासियों के हित में और देश के हित में बनाया जाता है। आज ये ना देशवासियों के हित की बात कर रहे हैं ना देश हित की बात कर रहे हैं, सिर्फ इन्हें अपना पेट चाहिए, अपना अपने भलाई की बात कर रहे हैं सिर्फ। जो अंबानी और सऊदी अरब को फ्रंटनर है खरीदने के लिए, आज अंबानी का खुद का रिफाइनिंग कैपेसिटी कितना है, 62 मिलियन टन पर ईयर। ओके, भारत पेट्रोलियम का कितना है, 38 मिलियन टन पर ईयर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कितना है, 20 मिलियन पर ईयर। तो 62, 38 और 20 जब इकट्ठा होगा तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन छोटा कंपनी बन जाएंगे और एक बहुत ही जायगंटिक जायंट है मोनोपोली कंपनी जो तैयार होगा। तो आपका सब्सिडी से लेकर प्राइसिंग से लेकर किस प्रकार एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो एट स्टेक। ये खाली एम्प्लॉय का नक्शी रक्षा करने का बात नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय सवाल है, राष्ट्र का संपत्ति है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्र की जनताओं का कंज्यूमर का ये सवाल है। कंटेनर का पेशन BPCL एयरपोर्ट 30, अगर हम अलग अलग लड़ते रहेंगे तो हमारी एकता छोटी पड़ जाएगी और हम बिक जाएंगे। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि देश में जितने PSU है सबके लीडरान एक जगह आएँ, हम एक जगह आंदोलन करें और सरकार को यह संदेश दें, हम देश के लोग हैं, हमको बेच करके आप अच्छा नहीं कर रहे हो, देश को नुकसान पहुंचा रहे हो। हमारे राजनीतिक महत्व भी है, हमारे आर्थिक महत्व भी है। अगर हम अर्थ में इस इंडिया को आर्थिक महत्व बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं तो मैं देश का नागरिक हूँ, वोट का मुझे राइट है, तुझे लोकतंत्र की कुर्सी से उठाने में भी मेरा महत्व है और साबित होगा। दिल्ली में हम खास करके दिल्ली में अपने सरकारी कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि आने वाले चुनाव में इस बेरहमी सरकार को रोड का दर्जा दिखाएं जिससे इनको होश आए।